वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आज मैं आपको कक्षा पहली की हिंदी रिंजन की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 10 की कविता करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे और गुनगुनाएंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैं ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। चलो बच्चों मेरे साथ इस कविता को फिर से गुनगुनाएंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों अब मैं इस कविता का आपको सारांश समझाती हूँ। बच्चों यह कविता पगड़ी एक बड़ी ही रोचक कविता है। रोचक मतलब मजेदार कविता है बच्चों ये, जिसके रचनाकार जानते हो इस कविता को किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इस कविता में विचित्र स्थितियों का विचित्र स्थितियों का सामना करती एक पगड़ी का वर्णन किया गया है। बच्चों कवि कहता है कि एक पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया गया है कि मैल तो रह गई किंतु पगड़ी फट गई। मगर उस पगड़ी को इतना रगड़ा गया उसके बाद भी बच्चों उसका मैल रह ही गया, लेकिन पगड़ी का क्या हुआ बच्चों? पगड़ी बिल्कुल फट गई। इस पर पगड़ी की हट्टी कट्टी जो मालकिन थी, बच्चों बहुत हट्टी कट्टी थी। हट्टी कट्टी का अर्थ होता है मोटी ताजी। जो मालकिन थी हट्टी कट्टी थी और वो इतनी झगड़ने लगी कि मैल और पगड़ी, बच्चों दोनों मैल और पगड़ी दोनों ही तर बतर हो गए, दोनों ही बिल्कुल तरबतर हो गए। चलो बच्चों हम कुछ अभ्यास करते हैं। मलकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे? कागज। बच्चों कागज को आप किससे साफ करते हो? आप पेंसिल से कागज पर लिखते हैं और कोई गलती हो जाती है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? हाँ रबड़ से, हम कागज को रबड़ से साफ करते हैं। अगला बच्चों बर्तन। बर्तन साफ करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बर्तन साफ करने के लिए आप जूना, विम बार भी लगाते हैं, राख, और राख से भी हम बर्तन को चमका सकते हैं। बच्चों पत्ते। पत्ते हम या तो पानी से साफ कर सकते हो या हल्का सा कपड़ा लगाओगे तो इससे भी पत्ते साफ हो जाएंगे। जूते। बच्चों जूते के लिए पॉलिश ब्रश आता है, उसको लगाओगे तो आपके जूते चमक जाएंगे। या कपड़े से जूते पे कपड़ा मारोगे तो उससे भी जूते साफ हो जाते हैं। बच्चों दांत। दांत के लिए दातुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्रश से। बच्चों हमें रोजाना दांत साफ करने चाहिए ब्रश से। अगला प्रश्न, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई, बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? हाँ बच्चों कागज, कागज को अगर खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? फट जाएगा, कागज फट जाएगा। और बर्तन। बच्चों बर्तन, अगर बर्तन को खूब रगड़ोगे तो बर्तन में चमक आ जाएगी, बर्तन बिल्कुल चमकने लगेंगे। जूते, अगर जूते को पगड़ी की तरह हम रगड़ने लगे तो जूते भी चमक जाएंगे। स्वेटर, और स्वेटर को
खूब रगड़ते हैं तो स्वेटर की सिलाई जो उनकी है स्वेटर फट जाएगा। फर्श बच्चों खूब रगड़ोगे, फर्श को खूब रगड़ोगे तो फर्श अंत में चमक जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए हम कठिन शब्द करते हैं। मैली, पगड़ी, रगड़ी, हट्टी कट्टी, मोटी, तगड़ी, मलकिन, झगड़ी, तर, इतनी। आओ बच्चों हम शब्द करें। मैली, बच्चों मैली का अर्थ है गंदी। पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा। आपने बच्चों पगड़ी देखी है ना? हाँ, पगड़ी आदमी अपने सिर पर बांधते हैं। मैल का अर्थ होता है गंदगी, और गंदगी हम बच्चों किससे साफ कर सकते हैं? हाँ बच्चों, हम अपना मैल साबुन से, आप नहाते हैं तो मैल आपका साबुन से उतर जाएगा। हट्टी कट्टी का अर्थ होता है मोटी तगड़ी। तब जाना बच्चों पूरी तरह से मुक्त हो जाना, पूरी तरह से गायब हो जाना का अर्थ होता है तब जाना। यहाँ कुछ शब्द हैं, उसकी सहायता से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे और दो चार होते हैं। मैल, साबुन से मैल उतर जाता है, आप साबुन लगाएंगे तो मैल उतर जाएगा। पगड़ी, मेरे पास एक सुंदर पगड़ी है। मोटी, यह बिल्ली बहुत मोटी है। चलिए कुछ मिलते जुलते शब्द लिखते हैं। पगड़ी तगड़ी, पगड़ी का अर्थ है तगड़ी। तर चर, ये बच्चों ये मिलते जुलते शब्द है। पगड़ी तगड़ी, तर चर, मोटी छोटी, रह सहर। सही उत्तर लिखते हैं। पगड़ी कैसी थी बच्चों? बच्चों पगड़ी कैसी थी? हाँ पगड़ी बच्चों मैली थी, पगड़ी मैली थी। मालकिन कैसी थी? सोचो मालकिन कैसी थी? हाँ मालकिन हट्टी कट्टी थी और मोटी तगड़ी थी। पगड़ी का क्या किया? बच्चों पगड़ी को बहुत रगड़ा था तो पगड़ी को रगड़ा था। मालकिन ने क्या किया था? हाँ मालकिन ने झगड़ा किया था ना, तो मालकिन ने क्या किया, यह उत्तर लिखेंगे एक शब्द में झगड़ी। रगड़ने से पगड़ी का क्या हुआ? पगड़ी को जब रगड़े तो क्या हुआ बच्चों? तर गई पगड़ी, बिल्कुल तर गई। ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके अंत में डी आता हो। बच्चों किन किन के शब्दों के अंत में डी आता है हमें वैसे शब्द लिखने हैं। पगड़ी, रगड़ी, मकड़ी, पकड़ी, झगड़ी। पगड़ी इसके अंत में डी आया, रगड़ी इसके अंत में भी डी आया, मकड़ी इसके अंत में भी डी आया, पकड़ी इसके अंत में भी डी आता है, झगड़ी इसके अंत में भी डी आता है। बच्चों आपने ये कविता का बहुत अच्छी तरह से आनंद लिया ना? आज आपका गृह कार्य है कि आपको इस वीडियो की सहायता से यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।